नमस्कार, मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 100 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट मकान। और ये मकान जो है ये गोविंदपुरम के सूर्या गार्डन में बना हुआ है। आप आसपास की लोकेशन देख रहे हैं, सभी बिजली वगैरह यहाँ पहुँची हुई है, आसपास मकान बने हुए हैं। और ये जो मकान है इसका जो फेस है वो सन फेस आपको मिलेगा। और इस प्लॉट का जो डायमेंशन है वो 20x45 का डायमेंशन है। इसमें आपको 3 कमरे नीचे बने हुए हैं, 1 कमरा इसमें ऊपर बना हुआ है, 1.5 मंजिल बना हुआ ये मकान है। और कार पार्किंग आपको इसमें अंदर ही मिलेगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मकान का फ्रंट है। और अब इस पूरे मकान को मैं आपको अंदर से दिखवाऊंगा। यहाँ से हम इस मकान में एंट्रेंस करेंगे। और ये आप जो सामने दीवार पर देख रहे हैं टेक्सचर पेंट है, ऊपर इसमें फोर सीलिंग करवाई गई है जिसमें कंसील्ड लाइट लगे हुए हैं। इसका पहला बाहरी कमरा है। फर्श पे इसके पे आप देख रहे हैं पत्थर लगा हुआ है। और ये इसमें सामने दीवार पे टेक्सचर पेंट हो रहा है। दरवाजे की आप जो फिटिंग देख रहे हैं ये मॉड्यूलर फिटिंग इसमें करवाई गई है। और अब इस पूरे कमरे को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा आपका बाहर का कमरा है। वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो लगा हुआ है और इसमें एसी के लिए जगह छोड़ा हुआ है। अब मैं आपको अंदर की तरफ दिखाऊंगा। ये आपका जीना है, ये आपका यहाँ कार पार्किंग का स्पेस इसमें दिया हुआ है। और इसके फर्श पे आप देख रहे हैं पत्थर लगा हुआ है। जीने पर अभी ग्रिल नहीं लगी हुई, इस मकान में काम चल रहा है। ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है और इसमें भी जो है अच्छा काम करवाया गया है। ये देखिए आपके सामने जो दीवार है इस पर टेक्सचर पेंट है। 2 कमरे इसमें आपको पीछे की तरफ मिल रहे हैं, 1 कमरा इसमें बाहर की तरफ मिल रहा है और 1 रूम इसके छत पर बना हुआ है। ये आपका कॉमन टॉयलेट है, इसमें हिंदी सीट लगी हुई है। और ऊपर तक आप देख रहे हैं टाइल्स इसमें लगे हुए हैं। घर के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबल लगा हुआ है। और ये आपका किचन है, किचन की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी फिटिंग इसमें करवाई गई है। सनमाइका लगा हुआ है, दराज वगैरह सभी बने हुए हैं। ये आपके दोनों कमरे हैं, दोनों कमरों में वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। ये आपका पहला कमरा है। और सामने दीवार पर आप देख रहे हैं टेक्सचर पेंट हो रहा है। उस दरवाजे के पीछे आप जो देख रहे हैं ये बाथरूम का एंट्रेंस यहाँ से दिया हुआ है। बाकी 1 कमरा आपका ये आपको यहाँ साइड में मिलेगा। फर्श पे आप देखिए नीचे पत्थर लगा हुआ है। कमरे का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा आपको साइज मिल रहा है। ये आपका दूसरा बाथरूम है जो आपको अटैच कमरे के साथ मिलेगा। ऊपर तक देखिए आप टाइल्स लगे हुए हैं, वेस्टर्न सीट इस पर लगी हुई है और पूरी मॉड्यूलर इस बाथरूम में जो है फिटिंग करवाई गई है। बहुत ही अच्छा काम करवाया गया है, रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। और जो मकान के अंदर काम हुआ है बहुत अच्छा काम करवाया गया है। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पेस बहुत अच्छा है इसमें आपको मिल रहा है मकान में। बैंक लोन हो जाएगा आपका, बैंक से यहाँ पर लोन सेंक्शन हो जाएगा। और जो मकान के आगे का रोड है वो 20 फीट का रोड है। अब मैं आपको जीने से ऊपर की तरफ ले चल रहा हूँ। जीने पर अभी ग्रिल नहीं लगी है, ग्रिल आपको इस पर लग करके मिलेगी। जीने का स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चौड़ा जीना बनाया गया है जिससे अगर कोई आप भविष्य में सामान वगैरह ऊपर पहुंचाते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए हम छत पर आ गए हैं, इसकी आधी छत पे टाइल्स लगे हुए हैं और 1 कमरा और बाथरूम इसकी छत पर बना हुआ है। ये आपका बाहर की तरफ बाथरूम बना हुआ है और ये कमरा आपका छत पर बना हुआ है। हर एक कमरे में वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। इस पर देखिए आप ऊपर ये फूल पत्ती बनी हुई है, सामने दीवार पे हल्का टेक्सचर पेंट हो रहा है, नीचे ये टाइल्स लगे हुए हैं और वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। सनफेस मकान है ये। इसकी जो कीमत है मकान की वो 40 लाख रुपए है। इससे जुड़ी समस्त जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़िए। बिल्कुल नया बना हुआ ये मकान है और ये आपकी छत है। ये आपका जो है ऊपर की तरफ जो बाथरूम बना हुआ है वो बाथरूम है, इसमें हिंदी सीट लगी हुई है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।